राजस्थान के बारा कैलवाड़ा के ढिकवानी गांव में सोमवार शाम को हलवाई का कार्य कर लौट रहे युवक की गांव के राजीव गांधी केंद्र के पास एक दर्जन लोगों ने हलवाई पर लाठी और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें बेरहमी से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बचाव के लिए आए परिजनों पर भी हमला कर दिया, जिसमें दो लोग घायल हो गए जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैलवाड़ा थाना क्षेत्र के ढिकवानी गांव निवासी 35 वर्षीय युवक ओम प्रकाश पुत्र बद्री हलवाई का कार्य कर सोमवार शाम को घर लौट रहा था। इस दौरान सामने से शराब के नशे में आरोपी युवक सड़क पर बाइक लहराते हुए आ रहा था। मृतक के साथ उसकी चाची और एक महिला साथ में थी, जो किसी कार्यक्रम में पूड़ी बनाने के लिए साथ गई थी। इस दौरान मृतक ने रास्ते में आरोपी युवक को समझाया, इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। आरोपी ने सूचना देकर उसके घर वाले और रिश्तेदारों करीब एक दर्जन लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया। मृतक के पहुंचते ही आरोपियों ने ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी, जिससे मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान हलवाई के परिजनों को जानकारी मिलने से बचाव के लिए आए तो इन पर भी हमला कर दिया, जिसमें दो लोग घायल हो गए। थाना अधिकारी महेंद्र यादव ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर जगह जगह दबिश दी है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई साहब पति नहीं, भैया हलवाई काम करके जा रहा था, रोड पर उसने मारपीट बनती कर दी। अकेला था वो, उसने घर पर फोन करा, हम आया, हमारे दीवार में मार कर डाल रहा हो गए लट दे। अच्छा, कहाँ के हैं वो? जो भाई साहब ढिकवानी के हैं, जो देवी ढिकवानी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? बलराम। अच्छा, आप कौन हो? इस इनके ओम प्रकाश जी के चाचा का लड़का। अच्छा अच्छा, चाचा के लड़के हो, तो आपके साथ भी मारपीट की है क्या? मेरे साथ, मेरे भाई को मैंने उठाया तो मेरे में लट दी 50। कितने लोग थे वो? 4-5-6-7 लोग थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।